नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वागीश्वरी कक्षा में। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट JRF या संस्कृत की विभिन्न परीक्षाओं में भारतवर्ष में निरुक्त का अध्ययन बहुत ही आवश्यक रूप से पूछा जाता है। निरुक्त क्या है और इसके शब्दों की व्युत्पत्ति विशेष रूप से वैकल्पिक प्रश्नों में पूछी जाती है। तो आइए निरुक्त के उद्देश्य और निरुक्त के कुछ विशेष शब्द जिनको कि नेट JRF में और कॉलेज लेक्चरर परीक्षाओं में नियमित रूप से पूछा जाता है, उनका हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले कि हम इसके उद्देश्यों का और शब्दों का, पदों का हम निर्वचन पढ़ें, इससे पहले हम देख लेते हैं कि ये निरुक्त है क्या चीज़। देखिए दोस्तों, जो निरुक्त है, निरुक्त, इससे पहले हमें निघंटू समझना पड़ेगा। निघंटू, देखिए निघंटू जो है ना, निघंटू ये वेदों का शब्दकोश है, वेदों का शब्दकोश है। जैसे आज हम हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी भाषा को समझने के लिए कोई शब्द नहीं समझ में आता तो शब्दकोश का हम सहारा लेते हैं, इसी प्रकार वेद जो कि संपूर्ण सृष्टि का पहला ग्रंथ है, उसके बारे में किसी भी व्यक्ति को पूर्णतया ज्ञान नहीं होता कि इस शब्द का क्या अर्थ होगा, मंत्र का क्या अर्थ होगा। जो ऋषियों ने हमारी व्याख्या की है उसके अनुसार हम देखते हैं। तो निघंटू एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें वैदिक कठिन शब्दों का निर्वचन होता है। निर्वचन यानी पद को, प्रक्रिया को, पद और प्रकृति को, धातु प्रत्ययों को अलग करके उसमें अच्छे से अर्थ दिखाया जाता है, जैसे कि शब्दकोश में होता है, भई ये संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, अर्थ क्या है इसका, इस प्रकार से। तो निघंटू नाम का एक शब्दकोश है जो कि वेदों का शब्दकोश है। इस निघंटू जो है इसके ऊपर एक टीका लिखी गई है, इस निघंटू की टीका को ही निरुक्त कहते हैं। टीका समझते हैं, टीका यानी कि भाष्य। भाष्य भी नहीं समझ में आता है तो किसी भी कठिन ग्रंथ को सामान्य लोग को समझाने के लिए जिस सरल विधि के द्वारा हम समझाते हैं उसको हम टीका कहते हैं, ठीक है। जैसे कालिदास की ग्रंथों पर टीका है, मेघदूत इत्यादि की टीका है, किरातार्जुनीयम पर लिखी हुई टीका है। टीका मतलब कठिन ग्रंथों को समझाने का एक सरल तरीका होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो निरुक्त है, इस निरुक्त में 5 अध्याय हैं। कितने? 5 अध्याय हैं और 3 कांड हैं। 5 अध्याय और 3 कांड हैं, ठीक है। 5 अध्याय और 3 कांड हैं। अब इसमें देखो, प्रथम 3 अध्याय जो है ये नेघंटुक कांड कहलाते हैं, नेघंटुक कांड कहलाते हैं, ठीक है। अगला जो चौथा अध्याय है, इस चौथे अध्याय को हम नैगम कांड कहते हैं, नैगम कांड कहते हैं। और जो पाँचवा अध्याय है इसे दैवत कांड कहते हैं, दैवत कांड कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इसको हम एक सामान्य रूप से देख लेते हैं। देखो, जो प्रथम 3 अध्याय है ना, इसमें जो पृथ्वी के वाचक शब्द हैं उनका इसमें निर्वचन यानी कि पद पदच्छेद करके अर्थ दे रखा है, ठीक है, निर्वचन दे रखा है। इसके बाद जो दूसरा कांड है ये नेगम कांड, इसमें हमको कठिन और अस्पष्ट जो शब्द होते हैं ना, बहुत ही कठिन, जिनको जिनमें प्रत्यय इत्यादि जो क्रॉस लिस्ट शब्द होते हैं जिसमें कि प्रकृति प्रत्यय का पता न लगे, ऐसे कठिन शब्दों को दिया है। और इसके बाद जैसा कि नाम से स्पष्ट है, चौथे से जो अगले अध्याय तक ये जो तीसरा कांड है इसके अंतर्गत देवता और देवताओं से संबंधित जितने भी उपनाम हैं, विशेषण हैं, उन सभी का निर्वचन किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो निरुक्त है जो हमको पढ़ाया जा रहा है, जिसको हमें पढ़ना है, ये निरुक्त का अध्ययन क्यों करना पड़ता है, क्यों करें हम इसका अध्ययन, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा, निघंटू एक वेदों का शब्दकोश है। इस शब्दकोश के माध्यम से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है इसको ज़रा हम देखते हैं बहुत ही शॉर्ट में। देखिए, आज हम इन सभी शब्दों का निर्वचन करेंगे, इससे पहले इसका उद्देश्य देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो वेद लिखे गए हैं उन वेदों को श्रुति परंपरा के माध्यम से हम संजो करके रखते हैं, संभाल करके रखते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलतियाँ ना आ जाए, उसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि ना आ जाए, इसके लिए श्रुति परंपरा होती है, पद पाठ घन पाठ इत्यादि होते हैं। लेकिन ये पद पाठ घन पाठ इत्यादि पदों का विभाजन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास निघंटू या निरुक्त जैसे कुछ कांड होते हैं, यानी कि इस प्रकार के ग्रंथ होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका अर्थ उद्देश्य बताया वो क्या बताया, मंत्रार्थ प्रत्याय निरुक्त्याय निरुक्तम आवश्यकम अस्ति। क्यों? वेदों में जो मंत्र हैं, वेदों में जो मंत्र है ना, इन मंत्र के अंदर जो अर्थ है, भाई अगर हम ये कहते हैं कि वेद हमारी ज्ञान राशि है, लेकिन ज्ञान राशि संस्कृत में दी गई है, संस्कृत के सभी वैदिक कठिन शब्दों का सबको ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हमें ज्ञान का पता कैसे लगेगा कि उस मंत्र में कहा क्या गया है।
तो वेद के मंत्रों का ज्ञान करने के लिए, वेद की शिक्षाओं को सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए, उसके अर्थों का सही सही जानने के लिए निरुक्त का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। दूसरा ये है कि बिना अर्थ को जाने यदि हम श्लोकों का, मंत्रों का पाठ करते हैं तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है। सोचिए आप प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना जो आप कर रहे हैं उसका अर्थ आपको पता नहीं है, जैसे छोटे बच्चे मुंह हिलाते हैं प्रार्थना में, ठीक वैसे ही करते रहें तो उसका फल क्या मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार मंत्रों का अर्थ जान करके हम स्तुति कर सकें और उस ज्ञान राशि को समझ सकें, इसलिए निरुक्त का अध्ययन आवश्यक है। दूसरा है मंत्राणाम पद विभागाय निरुक्तम आवश्यकम अस्ति। अब जब हमको पता है कि धातु प्रत्यय, धातु प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान हमको शब्दकोश के माध्यम से होता है कि संज्ञा सर्वनाम इत्यादि ये क्या है, पद किस प्रकार से विभिन्न किए जाएंगे, इन सभी का ज्ञान हमको निरुक्त से होता है, इसलिए मंत्रों में सही सही तरीके से संधि समास किया जा सके, पदों का विभाजन किया जा सके, इसलिए निरुक्त की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला है, एक बहुत ही प्रमुख बात है निरुक्त में। देखो जो वैदिक मंत्र होते हैं इसमें लिंग भेद बहुत ज़्यादा होता है। लिंग भेद का अर्थ है कि हमको सामान्यतः पुल्लिंग दिखाई देने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि हम अग्नि शब्द लें, हिंदी में यदि अग्नि शब्द को देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में ये पुल्लिंग है। इसी प्रकार एक शब्द होता है आत्मा, आत्मा आत्मा अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो ये स्त्रीलिंग है, आत्मा होती है, लेकिन अगर संस्कृत को, भगवद गीता को हम उठाकर देखें तो आत्मा होता है, होती नहीं है। इसलिए वेद के मंत्रों में, वेदों में जो विभिन्न शब्द हैं इन शब्दों में लिंग ज्ञात करना और लिंग ज्ञात करके उसे सही प्रकार के पुरुष के साथ या स्त्री के साथ जोड़ना और उसका अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, इसके लिए निरुक्त का आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो हमारे कर्मकांड है यजुर्वेद से संबंधित जितने भी मंत्र हैं, जो कर्मकांड है उसमें विनियोग, विनियोग का अर्थ होता है कब कौन सा मंत्र प्रयुक्त की जाए, यज्ञ में कौन सा है, विभिन्न संस्कारों में कौन सा है, विवाह में कौन सा होगा, गृह प्रवेश में कौन सा होगा और किस विधि के द्वारा होगा, यज्ञ वेदी कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए विनियोग, इनको लिंग के अनुसार देखा जाता है। किस व्यक्ति के लिए, जैसे विवाह संस्कार है तो कौन सा मंत्र कौन पढ़े, सप्तपदी इत्यादि के अंतर्गत कौन सी प्रतिज्ञा स्त्री करे, कौन सा प्रतिज्ञा पुरुष करे, किसके लिए कौन सी, किस प्रकार का उपदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है वेद में, इसके लिए लिंग ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और इस प्रकार लिंग विशेषण सर्वनाम इत्यादि का ज्ञान सही होगा तब जाकर हमको मंत्र की और स्तुतियों की सही प्रकार से हमको उसका फल प्राप्त होगा। इसलिए मंत्र के अनुसार, एक ही मंत्र का अगर स्थान विशेष के अनुसार लिंग परिवर्तित हो जाता है, यदि निरुक्त का और शब्दकोश का ज्ञान नहीं है तो ये लिंग ज्ञान हम नहीं कर सकते। इसलिए लिंग द्वारा वेद के अनुसार जो देवता हैं उनके अनुसार मंत्रों का विनियोग किया जा सके, इसलिए आपको निरुक्त का अध्ययन बहुत आवश्यक है। फिर कहते हैं निंदित न हो। अब देखिए वेदों का मंत्र कोई पढ़ रहा है, कोई आचार्य है या किसी प्रकार का कोई स्तोता है जो मंत्र पढ़ रहा है और उसे आकर के पूछे भी पंडित जी आपने ये जो मंत्र बोला इसका अर्थ क्या है, तो हम उनका अर्थ सही सही जान सकें इसके लिए भी हमें शब्दकोश रूपी निरुक्त का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो हमने देखा निरुक्त के कुछ विशेष उद्देश्य। इसके बाद अब हम देखते हैं शब्दों का निर्वचन बिना समय खराब किए, जो निर्वचन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम जो निर्वचन यानी कि पद विभाग करके अर्थों का ज्ञान करना जो निर्वचन है उसमें आता है सबसे पहला प्रथम आचार्य शब्द, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें बिना आचार्य के आप सीख ही नहीं सकते। आचार्य होगा, मान लो निरुक्त का अध्ययन करके किसी व्यक्ति को पता लग भी गया है तो जन सामान्य को निरुक्त का अध्ययन बता करके शब्दों का अर्थ बताने वाला एक आचार्य, एक गुरु आवश्यक है, एक अध्यापक आवश्यक है जो हर किसी को ये समझा सके। ठीक है, तो सबसे पहला जो इन्होंने निर्वचन दिया है वो आचार्य शब्द का है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में एक दो बार तो ज़रूर पूछा गया है। तो देखो आचार्य शब्द का पहला अर्थ आता है आचारम ग्राह्यति। आचार किसे कहते हैं, व्यवहार को, संस्कार को, जो ग्राह्ययति ग्रहण करवाता है, ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार को, आचार संस्कारों को किसी भी व्यक्ति में आधान करता है या ग्रहण करवाता है उसको हम आचार्य कहते हैं। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति पढ़ने के लिए जाता है तो उसको संस्कारों का, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, किस व्यक्ति से किस तरह बात करनी है, ये कौन सिखाता है, हमें आचार्य सिखाते हैं। ठीक है, तो आचारम ग्राह्ययति, आचार का, आचरण का ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति है वो आचार्य है। इसमें आंग उपसर्ग करके चर धातु से ये आचार्य शब्द यहाँ बना है। देखो अर्थ के अनुसार उनकी धातुएं भी बदलने लगती है, क्योंकि धातु ही संस्कृत में क्रिया है, धातु के माध्यम से ही क्रिया है, धातु चलती भवती
इन सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं इनको हम धातु कहते हैं संस्कृत में। धातु का अर्थ बदलते ही पद का अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पर आंग उपसर्ग करके चर धातु से आचार्य शब्द बना है प्रथम में, ठीक है। दूसरा आता है आचिनोति अर्थान। दूसरा क्या आता है? आचिनोति अर्थान। अर्थान यानी जो अर्थों का चयन करवाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, ये हमको कौन बताता है? आचार्य बताता है। तो जो अर्थों का चयन करवाता है, ठीक है, उसे हम आचार्य कहते हैं। तो आचिनोति अर्थान, तो यहाँ पर आंग उपसर्ग करके, आंग उपसर्ग है, ची धातु है और ण्यत प्रत्यय है, ठीक है, उस करके आचार्य शब्द बना है। दूसरे प्रकार से आचार्य शब्द कैसे बना है? आंग उपसर्ग ची धातु, चयन करने के अर्थ में ची धातु और ण्यत प्रत्यय करके बना है। आचिनोति अर्थान अर्थात जो अर्थों का चयन करवाता है उसे आचार्य कहते हैं। तीसरा आता है इसमें आचिनोति बुद्धि। बुद्धिम तो यानी जो बुद्धि का चयन करता है, देखो बुद्धि जो शब्द है ना, इसका आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, बुद्धि शब्द वो होती है जो निश्चय करती है करना है कोई काम या नहीं करना है, ए चाहिए या बी चाहिए, क चाहिए या ख चाहिए। जब दो प्रकार की समस्या आ जाए तो उसमें एक चीज़ का निश्चय कर सके उसको हम बुद्धि कहते हैं। तो निश्चय का चयन कर सके, किस चीज़ का निश्चय करें? सत्य और असत्य में से सत्य को चुनना है, लाभ हानि में से लाभ को चुनना है, ठीक है, उचित अनुचित में से उचित को चुनना है। इस प्रकार चुनना कौन सिखाता है? आचार्य, ठीक है। तो आंग उपसर्ग करके ची धातु से फिर से बुद्धिम चुनौती इति आचार्य, जो बुद्धि को अन्य विषयों से हटा करके उपयुक्त विषयों में लगाता है, चुनता है बुद्धि को, उसको हम आचार्य कहते हैं। इस प्रकार आचार्य शब्द के तीन प्रकार के निर्वचन हैं, आचारम ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान, आचिनोति बुद्धि। अगला हम देखते हैं वीर शब्द। वीर शब्द का निर्वचन तीन प्रकार से होता है, वीरो वीरयत्यति मित्रान, यानी कि वीर, देखो थोड़ा सा लिखने में ठीक है, वीरयत्य मित्रान, वीरयति अमित्रान, ये इसका पद छेद होगा, ठीक है। जो शत्रुओं को विभिन्न प्रकार से कपा देता है, व्यक्ति वही अच्छा है जिस व्यक्ति से शत्रु डरे। जो शत्रु किसी भी व्यक्ति से यदि कांपता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वीर है। अरे कोई बहुत ही बलशाली व्यक्ति आता है तो उसके आसपास के सारे शत्रु सारे लोग कांपते हैं कि नहीं? तो कहा वीर, वीरयति अमित्रान, अमित्रान यानी जो शत्रुओं को कपाता है, शत्रुओं को डराता है, मारता है, हर किसी को नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वी उपसर्ग है, ईर्क्षेप धातु है, ईर्क्षेपे धातु है, ठीक है, और अच प्रत्यय है, इससे वीर शब्द बना है। वी उपसर्ग पूर्वक ईर्क्षेपे धातु से अच प्रत्यय करके वीर ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जो शत्रुओं को विभिन्न प्रकार से कपा देता है, ठीक है। अब देखो दूर आता है, ये इसको ठीक से लिखा नहीं गया है, ये ऐसे आएगा वेतेरवा, देखो ये गलत लिखा हुआ है, वेतेरवा स्याद गति कर्मणः, यानी जिसके जाते ही शत्रु तिरस्कृत हो जाए, ठीक है, तिरस्कृत हो जाए, कम हो जाए। दो बराबर के बलशाली शत्रु हैं, एक के आने से दूसरा शत्रु यदि कम तिरस्कृत हो जाता है, कम पड़ जाता है, उसको कहते हैं वेतेरवा स्याद गति कर्मणः। जो व्यक्ति किसी वीर व्यक्ति वो है जिसके आने से बाकी सब तिरस्कृत हो जाए। तो यहाँ पर वी धातु है, वी धातु है, ठीक है, और एक रक प्रत्यय है, रक प्रत्यय करके वीर यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जिसके जाते ही वह शत्रु को पराजित कर दे या तिरस्कृत कर दे। तीसरा इसका अर्थ आता है वीर यतेरवा, जो कि वीर धातु से बना है। यहाँ पर देखो विक्रांत अर्थ में, विक्रांत यानी कि बहुत ही बलशाली अर्थ में, बहुत ही यशस्वी अर्थ में वीर धातु का प्रयोग किया गया है, ठीक है, और इस प्रकार ये वीर शब्द बना है। जो पराक्रमशाली है उसको भी हम वीर कहते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के यहाँ अर्थ आ गए, एक तो वो जो शत्रुओं को कपाता है यानी वीर यति अमित्रान, दूसरा वेतेरवा स्याद गति कर्मण, जिसके आते ही शत्रु तिरस्कृत हो जाते हैं, और तीसरा आता है वीर यतेरवा यानी पराक्रमशाली व्यक्ति, ठीक है, इसको हम वीर कहते हैं। अगला शब्द जिसका निर्वचन हमको करना है वो है हृद शब्द है, जिसके दो प्रकार से निर्वचन होते हैं। सबसे पहला तो ह्रादतेह शब्द कर्मणः यानी कि जो जल का अव्यक्त स्वर भी समाप्त कर दे, जल का अव्यक्त शब्द जो होता है वो समाप्त कर दे। देखो जो जल होता है इसमें शब्द होता है, ठीक है,
लेकिन जब वो बिना लहरों के ठहरा हुआ है तो उसमें शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो जो अव्यक्त स्वर को समाप्त करते उसको हम ह्रद कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ह्राद, ह्राद धातु है, ह्राद, ह्राद धातु है, ठीक है। और इसमें ऋस्व होकर हृदह, हृदह ये शब्द बनता है। और दूसरा है जो कि आप सभी समझते होंगे, ह्राद तेर स्याद छीति भाव कर्मण, ये रा नहीं है, ह में मिला हुआ ल है। आल्हाद जो होता है ना, खुशी का भाव, आल्हाद वो वाला है, इसमें र न होकर के ल आएगा। लाद तेरवा स्याद छिति भाव कर्मण, यानी कि जो शीतलता प्रदान करे, आल्हाद प्रदान करे, सुख प्रदान करे। जैसे बहुत भयंकर गर्मी में पसीने आए हुए हैं, थके हुए हैं, और एक शीतल हवा आकर के उन्हीं पसीनों में आपको शीतलता दे जाती है, उसको क्या कहते हैं, हृद कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लादी, आल्हाद वाली लादी, लादी, लादी सुखेच, ये धातु है, इस धातु से हृद शब्द बना है, ठीक है। तो हृद शब्द के भी दो अर्थ हो गए, एक तो वो जो जल के अव्यक्त स्वर को समाप्त कर दे, दूसरा वो जो आल्हादित कर दे। जैसे जो ग्रीष्मकालीन इत्यादि में जो हमारी थकावट होती है, क्लांत हो जाते हैं हम, उसमें हमारी शीतल पवन हमको जितना आल्हाद देती है, सुख देती है, उसके लिए आल्हाद तेरवा स्याद छिति भाव कर्मणा, इस प्रकार इसका निर्वचन होगा, ठीक है। तीसरा शब्द आता है गौ शब्द। देखो गौ शब्द, एक तो आता है गौ शब्द, ठीक है, जिसका निर्वचन कहा है, यद दूराम गता भवती, यद यद दूराम गता भवती, गता भवती, ये जो निर्वचन है, यद दूराम गता भवती, ये पृथ्वी के अर्थ में है, पृथ्वी जो दूर तक फैली हुई है वो पृथ्वी है। गौ शब्द का अर्थ केवल गाय ही नहीं होता, गौ शब्द का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी गातेर वो कारो नाम करना, यानी कि गौ वो है यद दूराम गता भवती, पृथ्वी वो है जो दूर तक फैली हुई है, वह पृथ्वी है, उसको गौ शब्द कहते हैं। दूसरा इसका अर्थ दिया है गातेर वो कारो नाम करना। तो देखो एक धातु होती है गांग गतौ धातु, गांग गतौ धातु होती है, इसमें औ करके प्रत्यय लगता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है गौ, यह पशु नाम, यानी कि जो पशु है वह गौ, ठीक है। तो पशु विशेष के लिए जब यह आता है तो ये वाली धातु लगती है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो हमने पहला पढ़ा पृथ्वी, पृथ्वी अर्थ में जो गौ शब्द पढ़ा था, इसमें एक ही मात्रा है। और यच्चास्य भूतानि गच्छन्ति, तो इस वाले गौ का अर्थ होता है यद यद दूरम गता भवती, इस प्रकार से पृथ्वी के अर्थ में इस प्रकार गौ शब्द का निर्वचन होगा। इसमें गम धातु है जो कि गति अर्थक है, गति अर्थक गम धातु से डो प्रत्यय करा है और उसके बाद ये गौ शब्द बना है। ध्यान रखिए जो पशु के अर्थ में आता है वो गौ होता है, औ की मात्रा लगती है उसमें, ठीक है। इसमें एक मात्रा लगी है, ये पृथ्वी के अर्थ में है, यानी कि जिस पर चलते ही जाओ उसका कोई अंत छोर ही नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है और बहुत विस्तृत है, इसलिए गो शब्द आता है, ठीक है। ये जो निर्वचन आपके सामने है ये पशु वाले का है, गातेर वोकारो नामकरणा, ठीक है, गांग गतौ धातु से डो प्रत्यय करके बना है पशु विशेष के लिए, ठीक है। इसके बाद आता है बहुत ही प्रसिद्ध जो बार बार पूछा जाता है, समुद्र शब्द, समुद्र शब्द, ठीक है। तो निर्वचन में पूछते हैं समुद्र है अकस्मात, समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं, कैसे हुआ समुद्र, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए बोलते हैं समुद्र वंत्यस्मादापः, समुद्र वंत्यस्मादापः, समुद्रवत, समुद्रवत जिस जल में, समुद्रवत जिस जल में क्या क्या होता है, देखो वीची कहते हैं तरंग को, तरंगें उठती है जिसमें ज्वार भाटा आते हैं, जिसमें लहरें होती है, ठीक है, जिसकी बहुत सारी रश्मियाँ बार बार उछल करके मानो सूर्य की ओर बढ़ रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र। समुद्र का प्रथम निर्वचन क्या हो गया, समुद्र वंत्यस्मद आप, यानी लहर तरंग इत्यादि के द्वारा जो आदित्य मंडल की ओर ऊपर उठता है, आदित्य किसे कहते हैं, सूर्य, ठीक है, आदित्य मंडल यानी प्रकाश की ओर जो ऊपर की ओर उठता है, ज्वार भाटा भी उसमें आते हैं, तरंगी आती है, बुलबुले होते हैं, हलचल होती है, तरंगी होती है, ठीक है। इस प्रकार के सारे गुण जिसमें होते हैं, जिस जल में होते हैं, उसको समुद्र कहते हैं। जिसकी रश्मियाँ, रश्मि यानी कि जिसकी तरंगे, जिस समुद्र की तरंगे आदित्य मंडल की ओर ऊपर उठती है, उसे हम समुद्र कहते हैं। ये बना कैसे,
सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, दो उपसर्ग हैं इसमें, ठीक है। और गत्यर्थक, गति अर्थ में द्रु धातु है, और इस प्रकार से समुद्र यह शब्द बनता है, ठीक है। दूसरा बताते हैं, समभि द्रव्यन्तेन आपः तस्मात् समुद्रः, समभि द्रव्यन्तेन मापः तस्मात् समुद्रः, यानी कि पृथ्वी पर जो रस है, रस यानी कि पृथ्वी का रस क्या कहलाता है, 6 रस तो है जो है, पृथ्वी का रस हमको जल कहलाता है। पृथ्वी का जो जल है, यानी कि पहले तो इसे सूर्य सोखता है, सोख करके पुनः बरसात कर देता है, ठीक है, यानी कि ये आवागमन का चक्र लगातार चलता ही रहता है। समुद्र से सर्वाधिक जल जो है सूर्य किससे ग्रहण करता है, समुद्र से, पहले समुद्र से जल लेता है सूर्य, फिर वापस ही हमको वर्षा के माध्यम से पहुंचा देता है। तो ये जो चक्र जिसके द्वारा होता है, रश्मि चक्र इसको कहते हैं, ये चक्र होता है, इसलिए इसको समुद्र कहते हैं। कैसे, समभि द्रव्यन्तेन आपः, जो पृथ्वी के रस को सम्यक पूर्वक, द्रव यानी उस जो रस है, पृथ्वी का जल है, उस पृथ्वी को, पृथ्वी पर पुनः जल को आने में मदद करता है, उसको समुद्र कहते हैं। ये वाला समुद्र कैसे बना है, सम उपसर्ग है, द्रु धातु है, ड प्रत्यय है, और ये समुद्र बन गया है, ठीक है। अगली इसका निर्वचन है, सम्मोदन्तेऽस्मि भूतानि तस्मात् समुद्र। सम्मोदन्ते, मोदन्त जो आती है वो सुख के लिए आती है धातु, आह्लादित करने के लिए आती है धातु, ठीक है। जो हमको, अस्मि, ठीक है, जो हम सभी को जल के आधित्य के आधिक्य के कारण, भूतानि यानी सभी प्राणी, जल यानी समुद्र के अंतर्गत सभी प्राणी जिसके जल से मोदन्ते प्रसन्न रहते हैं, उसको हम समुद्र कहते हैं। देखो, प्राणी केवल पृथ्वी के ऊपर नहीं रहते, पृथ्वी के नीचे जो जल तरंगे हैं इनमें भी जलचर रहते हैं, ठीक है। तो ये जलचर, ये वाले जो भूत यानी कि प्राणी, जहाँ पर मोदन्ते यानी प्रसन्न रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं, ठीक है। ये वाला समुद्र कैसे बना, सम उपसर्ग करके, मुद धातु है, मुद जो प्रसन्न करने के अर्थ में आती है, ठीक है। मोदन यानी मुदिता, मुदिता एक शब्द होता है, वो प्रसन्न करने के अर्थ में बनता है। पूर्व मुद हर्ष, पूर्व मुद हर्ष, इससे ये धातु बनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और इसमें रक प्रत्यय हो गया है, रक प्रत्यय, तो इस प्रकार ये समुद्र शब्द बना है यहाँ पर, ठीक है। अगला इसका चौथा निर्वचन आता है, समुद्र को भवति, समुद्र को भवति यानी कि जल एक साथ इकट्ठा होकर के रहता है, समुद्र को यानी कि एकीभूत होकर के रहता है, एक समुद्र, एको भवति, समुद्र एक है। अरे हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि एक जल, दो जल, तीन जल, जल शब्द हमेशा बहुवचन होता है, कैसा होता है, नित्य बहुवचन होता है जल शब्द, जलान्नी, ठीक है, क्योंकि एक जल दो जल हम नहीं कह सकते। तो वो स्थान जहाँ जल एकीभूत होकर रहता है, समुद्र जिसमें कि जल एकीभूत होकर के रहता है, उसी को हम समुद्र कहते हैं। सम उपसर्ग है, ठीक है, इसमें उद और र, इस प्रकार से ये समुद्र बनता है, ठीक है। अगला और पांचवा इसका निर्वचन है, समुन्नतीति वा सम उन्नति। सम उन्नति, उन्नति यानी विस्तार, विस्तार किसका करता है, वर्षा के द्वारा सबकी उन्नति होती है, इसलिए हम इसको उन्नति करने वाला होने के कारण क्या कहते हैं, हम इसको समुद्र कहते हैं। और उन्नति भी कैसी, सम, सम यानी उत्तम प्रकार की उन्नति हमें जिससे प्राप्त होती है, सम उन्दी क्लेदने, ठीक है। ये जो उन्दी क्लेदने हैं, इसमें फिर रक प्रत्यय लगता है, रक, ठीक है। तो इस प्रकार से सम उपसर्ग पूर्वक उन्दी क्लेदने रक, इस प्रकार समुद्र बनता है, ठीक है। तो समुन्नति तीर्वा, तो पांच प्रकार की हमने ये इसमें निर्वचन देखा, समुद्र वंत्यस्माद आपः, समभिद्वन्ति येन आपः तस्मात् समुद्रः, सम्मोदन्ति अस्मि भूतानि तस्मात् समुद्रः, समुद्र को भवति तस्मात् समुद्रः, समुन्नति तीर्वा तस्मात् समुद्रः। तो समुद्र के पांच प्रकार के निर्वचन हैं। इसके बाद हम देखते हैं अश्व, अश्व जानते हैं घोड़ा, घोड़े को अश्व कहते हैं, तो इसका निर्वचन भी इसी प्रकार किया गया है। क्या कहते हैं, अश्वते अध्वान मताश्वनो भवति वा। देखो, अश्वते, अश्वते यानी अश्व का शब्द होता है अभू, एक शब्द होता है अभू, ठीक है, अभू एक शब्द होता है अभू, जिसे कि व्याप्त करने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उस अभू शब्द से अश्व बना है। तो अभू
जो होता है इसे क्यन प्रत्यय करके बना है, तो अश्वते अध्वान, अध्व कहते हैं मार्ग को, अध्व किसे कहते हैं मार्ग को। तो इस प्रकार से जो मार्ग को व्याप्त कर ले उसको हम घोड़ा कहते हैं, जो मार्ग को व्याप्त कर ले उसे हम घोड़ा कहते हैं। ठीक है, मताशनो भवति वा, मताशनो यानी अश्न, अश्न अश्न कहते हैं भोजन करने को, अश्न किसे कहते हैं भोजन करने को, जो बहुत अधिक भोजन करता है उसको हम क्या कहते हैं घोड़ा। अरे आज भी कहते हैं कि नहीं क्या घोड़े की तरह खाए ही जा रहा है, हैं क्या घोड़े की तरह चल रहा है। तो भोजन करने के अर्थ में अश्न धातु आती है। ठीक है, और अश्नो भवति वा सर्वाधिक या अधिक भोजन करने के कारण भी अश्व कहा जाता है। तो दो प्रकार हो गए, अभू व्याप्तो धातु से क्यन प्रत्यय करके, और दूसरा अश्न, अश्न ठीक है, अश्व भोजने इस धातु से भी क्यन क्वन प्रत्यय करके अश्व बन जाता है। ठीक है, तो अश्व के दो अर्थ हो गए। इसके बाद आता है अग्नि। अच्छा अग्नि का इन, अच्छा अग्नि का निर्वचन नहीं लिखा, चलो जो अग्नि शब्द है ना अग्नि, इसमें देखो अत्री गतौ धातु है, अत्री गतौ धातु, कौन सी अत्री गतौ धातु है, और इससे नी प्रत्यय करके अग्नि शब्द बनता है। अत्री गतौ धातु से नी प्रत्यय करके ये अग्नि शब्द बनता है। अग्नि हमेशा गति के अर्थ में बनता है, जलाने वाला और गति के अर्थ में। देखो क्या कहा इन्होंने, कहा कि गतिशील और जलाने वाला सन्मार्ग पर ले जाने के कारण अग्नि को अग्न कहा जाता है। अत्रिगतौ धातु से नी प्रत्यय करके अग्नि शब्द बनता है। ठीक है, इस प्रकार ये अग्नि शब्द बनता है। ठीक है, अब देखो वेदों में मंत्र आता है ओम अग्नि नय सुपथाराए अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान, हे अग्नि हमको सुपथ पर ले जाओ। कैसे, हे अग्नि हमें सुपथ पर ले जाओ। तो इस प्रकार अग्नि जो है सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, सन्मार्ग पर ले जाने वाला है। तो अग्नि गतिशील है, अग्नि सन्मार्ग पर ले जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अग्नि शब्द बनता है। अगला हम देखते हैं वृत्र शब्द, वृत्र शब्द, वृत्र शब्द जो होता है व्रिय वर्णे धातु से और वृतु वर्तने धातु से, वृधु वृद्धौ धातु से, इस प्रकार तीन प्रकार से बनता है। इन सब में त्र प्रत्यय लगता है, त्र प्रत्यय लग के बाहुलात वृत्र शब्द बनता है। अब देखो सबसे पहले तो ये वृत्र कौन है, जो इंद्र का शत्रु है। ठीक है, वृत्र, वृत्र शब्द का अर्थ होता है अंतरिक्ष का जो होता है ना, अंतरिक्ष उदकम, अंतरिक्ष उदकम महत्वाद अत्रस्य वृत्रम इति, यानी कि जो अंतरिक्ष में जल होता है उसको वृत्रासुर आवृत कर लेता है, आने नहीं देता पृथ्वी पर, इसलिए वो इंद्र जो कि वर्षा का देवता माना जाता है इसका शत्रु होता है। ठीक है, जो वृत्रासुर है, वृत्रासुर उसका अंत किया था कि नहीं शत्रु का, तो ये वही है। अब देखो त्वाष्ट्रो असुर इति ऐतिहासिका, यानी कि इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि जो वृत्रासुर नाम का शत्रु था उसका नाश किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से वृवर्णे धातु से वरण करने के अर्थ में, वृतु वर्तने धातु से होने के अर्थ में, है ना, और वृधु वृद्धौ धातु से जो पूर्व तरह अंतरिक्ष में फैल करके वर्षा को जमीन पर नहीं आने देता, वो वृत है। तो इस प्रकार वृय वर्णे धातु से, वृतु वर्तने धातु से, वृद्धम धातु से वृत्र शब्द बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है आदित्य शब्द। आदित्य कहते हैं सूर्य को, जानते हैं आप। अब देखो कितना अच्छा इसका निर्वचन किया है कि आदत्ते रसान दत्ते भासम ज्योतिर्श्याम अर्थात। ठीक है, देखो ये कहता है रश्मियों के द्वारा आदत्ते रसान धत्ते, धत्ते यानी धारण करता है, आदत्ते यानी लेता है, रसान यानी पृथ्वी का जो रस है उसे कहते हैं जल को, पृथ्वी का जो रस होता है उसे जल कहते हैं। जल में सिर्फ पानी नहीं, सारे खनिज लवण, जितने भी विटामिन्स और जितने भी खनिज लवण पाए जाते हैं जल में, उन सभी को आदित्य यानी सूर्य पहले सोखता है। ठीक है, और सोख करके पुनः पृथ्वी पर दे देता है, है ना। तो रश्मियों के द्वारा जो जल ग्रहण करता है, खींचता है, ठीक है, और साथ ही क्या करता है, ज्योतिषाम, ज्योतिषाम कहते हैं भासम ज्योतिषाम, भासम ज्योतिषाम, जो ज्योतिष
का अन्वेषण करने वाले व्यक्ति हैं, ज्योतिष नक्षत्र इत्यादि का अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी को प्रकाशित करता है। क्योंकि सौर मंडल सूर्य के पीछे ही तो है, कोई भी सौर मंडल बनता है, सौर मंडल तो सूर्य के कारण ही तो बनता है। सूर्य और उसके परिवार को ही तो सौर मंडल कहते हैं। जो नक्षत्रों का ज्ञान प्राप्त करता है, जो नक्षत्रों के लिए प्रकाश फैलाता है, सारे नक्षत्रों को उजाला कौन देता है? सूर्य देता है। तो इस प्रकार भास कहते हैं प्रकाश को। ज्योतिषाम यानी कि जितने भी पिंड हैं, नक्षत्र इत्यादि हैं, उन सभी को जो प्रकाश देने वाला है वो सूर्य होता है। तो दो प्रकार से निर्वचन किया गया, आदत्य रसान धत्ते, जो लिए हुए रसों को पुनः पृथ्वी पर लौटा देता है वो सूर्य है, यानी जल को सोखना और पुनः बरसात करना। फिर कहते हैं भासम ज्योतिषाम, यानी नक्षत्र इत्यादि को प्रकाशित करने वाला आदित्य होता है। ठीक है, इस प्रकार आदित्य शब्द का निर्वचन देखा हमने। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये निर्वचन का जो हमारा उद्देश्य था वो इस प्रकार पूरा होता है दोस्तों। अब देखो, इसमें दो तीन और निर्वचन है जो थोड़ा थोड़ा पूछे जाते हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ ऐसे ही। जो एक तो आदित्य शब्द है, इसमें एक और आप इसमें ऐड कर लीजिए, ये आता है। देखो, देव माता अदिति थी, जिनके कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी ना, कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति, उनकी जो संतान है, उनके जो पुत्र हैं, उनको भी हम आदित्य कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अदितेह पुत्र। देखो, अण प्रत्यय आता है, अदितेह पुत्र इति आदित्य। इस प्रकार से जो अदिति शब्द से ण्या प्रत्यय करके आदित्य शब्द बन जाता है। इसके अलावा एक शब्द आता है उषस। क्या शब्द आता है? उषस। ये उषस शब्द कैसे बनता है? उच्छति सत्या, उच्छतीति सत्या, इस प्रकार इसका निर्वचन होता है। ठीक है, इस निर्वचन के माध्यम से क्या कहते हैं कि उच्छयति विवासयति तमांसी अंधकारः, यानी कि उच्छयति विवासयति, उच्छयति विवासयति अंधकारम, अंधकारम, जो अंधकार को चीर देता है, जो अंधकार को उच्छ यानी उड़ा देता है, चीर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उषा। अब देखिए, जो प्रातःकाल होता है ना, प्रातःकाल, और जो रात्रि होती है, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, सुना है आपने? रात जाती और सुप्रभात होता है, इसके बीच में जो ऑरेंज कलर का समय होता है ना, उसे हम उषा कहते हैं। यानी कि उषा के आते अंधकार छट जाता है, कुछ अरुणिम प्रकाश आ जाता है। अरुणिम प्रकाश कैसा होता है? जैसा कि स्लाइड का है ना, ये इस स्थान का जो प्रकाश है, इसको हम अरुणिम प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो रात्रि वो होता है, रात्रि का जो अपर काल होता है उसे उषा कहा जाता है। अगला एक शब्द और देख लेते हैं हम, नदी, जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नदी बार बार पूछा जाता है। एक धातु होती है नद, नद अव्यक्ते, नद अव्यक्ते, ये एक धातु होती है जिससे ल्यु प्रत्यय करके नदी शब्द बनता है। मतलब नदी नहीं बनता, नदना बनता है, नदना। इस नदना के माध्यम से फिर गीप इत्यादि प्रत्यय करके, पूरा प्रकृति प्रत्यय का कार्य करके नदी शब्द बनता है। ठीक है, तो नदट मुख्य रूप से यदि हम देखें तो न द ट, इस नदट शब्द से नदी शब्द बनता है। लेकिन नदना भवंती शब्दवत्या, नदना भवंती शब्दवत्या तस्तात् नद्यः, नदियाँ वो होती है जो शब्द करती हैं। देखो, समुद्र शांत होता है, गंभीर होता है, लेकिन नदी को बहते आपने जब भी देखा होगा, बिल्कुल कलकल करते हुए बहती है, तरंगों की आवाज़ उसमें आती रहती है, बहुत ही चंचल होती है। इसलिए क्या कहते हैं? शब्दवती होने के कारण नदना, नदना भवंती शब्दवत्य, नदियाँ कैसी होती है? शब्द करने वाली होती है, इसलिए उनको नदी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये नदी शब्द का निर्वचन हो गया। और एक और आता है जो कि बहुत ही छोटा सा है, वो है उदक। वो आता है उदक, यानी जल जिसे कहते हैं, उदक, उदक शब्द है। इसका निर्वचन होगा उन्नतीति, उन्नतीति सतह, उन्नतीति सतह।
देखो जल के अनेक पर्यायवाची होते हैं, पर पर्यायवाची किसी विशेष अर्थ को लेकर बने होते हैं। जो उदक शब्द का प्रयोग जब कब करते हैं, जब जल की अधिकता हो जाए। किसकी अधिकता हो जाए? जल की अधिकता। जैसे कि हरिद्वार इत्यादि में बार बार कभी ग्लेशियर के फटने से, पिघलने से, या कभी बादल के फटने से अचानक जल आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे जल को उदक कहते हैं। तो इसका निर्वचन देखो, सबसे पहले जो उदक शब्द है उन्नतितिर सतह, ये हो जाएगा। किस अर्थ में आता है? देखो, इस अर्थ में आता है कि यत्र गच्छति तदुन्नति क्लेदयति। यत्र गच्छति, जहाँ जाता है, यत्र गच्छति तदुन्नति, जहाँ जाता है ये जल, वहाँ पर ही क्या कर देता है? क्लेदयति। जहाँ जाता है वहाँ पर बढ़ा देता है संख्या को। किसकी संख्या को? जलों की संख्या को बढ़ा देता है, और क्लेदयति, क्लेश पैदा कर देता है। इसीलिए इसको उदक कहते हैं। उदकम कस्मात? तो देखो, हमने दो अर्थ देखा। पहला तो देखा हमने उन्नति सतह, और दूसरा हमने क्या देता, इसका अर्थ क्या होगा, किस अर्थ के लिए ये प्रयुक्त किया जाता है, कि यत्र गच्छति तदुन्नति क्लेदयति, जहाँ जाता है वहाँ पर क्लेश मचा देता है। तो इसमें उन्दी क्लेदने धातु है, उन्दी क्लेदने धातु से ये यहाँ पर उदक शब्द बना है, ठीक है। इसके बाद आता है एक और, जिसका नाम है वैश्वानर। वैश्वानर जानते हैं आप, अग्नि को कहते हैं वैश्वानर। वैश्वानर, देखो, वैश्वानरो अग्नि, ठीक है। अब इसके लिए निर्वचन किया जाता है कि स च जायमानः प्रादुर्भवन ज्योतिषास्वेन तेजसा राजान। यानी कि जो जन्म लेते ही, देखो सबसे पहले तो आप ये देखिए, वैश्वानरो अग्नि, अग्नि को वैश्वानर कहते हैं। वैश्वानर क्यों कहते हैं? फिर इन्होंने कहा कि यह च जायमानः प्रादुर्भवन ज्योतिषास्वेन तेजसा। देखो, स मिनट, ये रंग दिख जाएगा ना, ये रंग दिख जाएगा, ये दिख जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा जायमानः प्रादुर्भवन ज्योतिषाभावेन, ये लिखना चाहिए था, इसमें है नहीं ये पूरा, ठीक है, ज्योतिषाभावेन तेजसा राजानम्। इस प्रकार से ये इसका निर्वचन आता है। यानी कि जो उत्पन्न होते ही, सच जायमाना, जो उत्पन्न होते ही प्रादुर्भवन, यानी फिर से कहा, उत्पन्न होते ही ज्योतिषाभावेन, ज्योति के भाव यानी कि अपने तेज से राजानम्, जो अपने तेज से अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक है। वैश्वानर, वैश्वानरो अग्नि, जो उत्पन्न होते ही अपने प्रकाश के अंधकार को दूर कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वैश्वानर कहते हैं, ठीक है। एक और शब्द देख लिया जाए, बहुत ही छोटा है, देखो पूछा भी जाता है। वाक शब्द होता है, वाणी के लिए प्रयुक्त होता है। वाक वचे, ये इसका निर्वचन आप समझ लीजिए। अब देखो, वाक वचे में वच परिमाणे धातु है। इस वच परिमाणे धातु से क्विप प्रत्यय किया है। कौन सा? क्विप प्रत्यय किया है। और ये जो वाक वचे, ये तीन अर्थों में प्रयोग होता है। कौन कौन सा? एक तो माता सरस्वती के लिए, ठीक है, दूसरा नदी के लिए, और तीसरा जो प्रयोग होता है ये देवता के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार वाक वचे, ये इसका निर्वचन है। वाक वचे तत्र सरस्वत्येतस्य नदी वद देवता वच्च निगमा भवन्ति, ठीक है। तीन अर्थों में प्रयोग होता है। देवता अर्थ में आप जानते हैं, नदी देवता है, जो नदी देवता का नदी सूक्त आता है, आपको पता है ऋग्वेद का नदी सूक्त आता है। फिर आता है माता सरस्वती को भी वाक कहा जाता है, जिसके नाम पर हमारे चैनल का नाम वागीश्वरी है।
वागीश्वरी, वाक का जो ईश्वर है, वाग की जो देवी है उसको सरस्वती कहते हैं। हमारे चैनल का नाम भी इसीलिए सार्थक है, वो सरस्वती है, माता सरस्वती हम पर हमेशा ही कृपा रखे, हमारे चैनल पर हम पर कृपा रखे। उसके बाद आता है नदी शब्द, और फिर माता सरस्वती क्योंकि एक देवता भी है इसलिए यहाँ पर तीन अर्थों में वाक शब्द आता है। ठीक है, एक और अंतिम हम एक और निर्वचन इसका देखते हैं। मेघ जिसे कहते हैं बादल, मेघ किसे कहते हैं, बादल को, तो इसका निर्वचन हो जाएगा महतीति सतह। यह इसका निर्वचन होगा। सिंचत्यो किस लिए आता है, ये सिंचत्यो सींचने के अर्थ में। अरे भाई, मेघों का जो काम होता है, जैसे हम अपने बागों की सिंचाई करते हैं तो उसके लिए एक पाइप लेते हैं, उसी तरह पूरी दुनिया का यदि किसी को पाइप कहा जाएगा वो मेघ कहा जाएगा, क्योंकि मेघ के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी की वो सिंचाई करता है और हमको जल देता है। तो यहाँ पर मेघ मेहतीति सता इससे बना है, और साथ में ही मिह सेचने धातु से सिंचन करने के अर्थ में बता है। ठीक है, तो धातु कौन सी होगी, मिह सेचने, इस धातु से ये सिंचित करने के अर्थ में बना है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आज निर्वचन और शब्दों के पदों के निर्वचन देखे, निरुक्त के उद्देश्य देखे, और निघंटु के विषय में कुछ विशेष शब्दों को देखा। चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करें, या फिर आप फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की, संस्कृत के अंतर्गत होने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इनका निर्वचन आज हमने किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।